एक ऐसा आदमी जो कि अपने गांव वापस जाता है काफी सालों बाद उसे रिश्तों की अहमियत पता चलती है। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें अरुण नाम का लड़का दिखता है जो मंदिर में उदास बैठा था। वो काफी दुखी था, वो अपने परिवार वालों के साथ ये सिटी और घर छोड़ के जाने वाला था। वो अंदर से टूट गया था। वो एक हाथी देखता है और बात में हो जाता है, उसके घर वाले सामान पैक कर रहे थे। अरुण के मामा रो रहे थे और हमें पता चलता है जिस घर में अरुण और उसका परिवार रह रहे थे इतने सालों से, वो बंटवारे में उसके चाचा ने ले लिया था और उन्हें दूसरी स्टेट वाली जमीन पे घर मिला था। अरुण के मामा रेंट पे रहने के लिए कहते हैं पर अरुण के पापा नहीं मानते क्योंकि उनकी 3 पीढ़ियां अपने घर में रही थी, इसलिए उनके पास रास्ता नहीं था। अरुण के मामा को भी अरुण के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि अरुण सबसे ज्यादा इस घर को और इलाके के लोगों को प्यार करता था और ना चाहते हुए भी उन्हें जाना पड़ता है। अरुण की साइकिल वहीं रहती है। अरुण के पापा किसी जरूरतमंद को साइकिल देने के लिए कहते हैं और सीन कई साल आगे शिफ्ट होता है। अरुल मद्रास में रहता था, उसने कई पेट्स पाल रखे थे। अरुल की शादी हो गई थी, वो खुशी से रह रहा था। उसकी बीवी कहती है हम कब तक रिश्तेदारों से दूर रहेंगे, अपनी बेटी का सोचिए, उसके पास कहने के लिए बस अपने माँ बाप और दादा दादी है, बाकी कोई नहीं। अरुल कहता है इतने सारे जानवर तो पाले हुए हैं, रिश्तेदारों की क्या जरूरत है। अरुल की बीवी कुछ नहीं कह पाती। अरुल की कजन की शादी थी, वो अपनी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसकी बहन भी, और उसकी बहन ने धमकी दी थी अगर वो नहीं आया तो वो शादी नहीं करेगी। अरुल बस अपनी बहन के लिए वापस अपने होम टाउन जाने वाला था। उसके पापा नहीं जाते, वो अपने भाइयों से नाराज थे, अभी तक वो काफी गुस्से में थे, वो नहीं जाते। अरुल का भी मन नहीं था पर उसे अपनी बहन की वजह से जाना पड़ता है। वो हिम्मत करके जाता है और उसे उसके बचपन की याद आ जाती है और सारी यादें ताजा हो जाती है। वो अपने पुराने घर को देखता है, उसे काफी बुरा लगता है और ना चाहते हुए भी उसे लॉज में रुकना पड़ता है। अरुण अपनी बीवी को कहता है मैं बस अपनी बहन को गिफ्ट देके आ जाऊंगा, शादी तक नहीं रुकने वाला, सीधा गिफ्ट देके घर मुझे 1 मिनट नहीं रुकना। पर अरुण कहता है क्या दिन आ गए हैं, अपने ही होम टाउन में मुझे लॉज में रुकना पड़ रहा है। अरुण अपनी बीवी को कहता है हम वो घर खरीदने वाले हैं। उसकी बीवी खुश होती है। अरुण अपने चाचा को पैसे देके घर खरीदने की सोच रहा था लेकिन अभी वो बस सोच रहा था, उसके पैसे भी जमा नहीं हुए थे। वो वही हाथी देखता है जो उसने बचपन में देखा था, उसकी यादें ताजा हो जाती हैं। और बाद में वो बस में जाता है शादी के हॉल में। वो कंडक्टर से हॉल के बारे में पूछता है और बातों बातों में जब कंडक्टर को अरुण के पापा का नाम पता चलता है वो खुश होकर कहता है अरे वो तो मेरे टीचर थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे, बंटवारे की वजह से उन्हें जाना पड़ा, वो शादी में नहीं आए क्या, वो आते तो मैं भी उनसे मिल लेता। और अरुण बहाना बना देता है, वो कहता है रात की कोई बस बताना, मुझे रात को ही निकलना है यहाँ से अपने घर के लिए। कंडक्टर हैरान होता है और कहता है शादी के सारे फंक्शन वगैरह नहीं देखोगे क्या। अरुण कहता है नहीं मैं बस गिफ्ट देके आ जाऊंगा और मुझे कोई काम नहीं है, मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रह पाऊंगा। कंडक्टर कहता है मुझे लगा आप अच्छे इंसान होंगे पर आप तो मतलब ही निकले। अरुण कुछ नहीं कहता। बाद में वो हॉल में जाता है, वो बिना किसी से बात करे चुपचाप बैठता है। वो एक लेडी को देखता है, लेडी उसे पहचानती है, वो उसके पास आती है। अरुण कहता है कैसी हो। लेडी उदास होकर कहती है बस ठीक ही हूँ। उस लेडी के घर अरुल की शादी का रिश्ता आया था लेकिन लेडी ने मना कर दिया था क्योंकि वो अपने होम टाउन छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। और अब उसका पति दिन रात दारू पीता था और कोई भी काम नहीं करता था जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वो अरुल के लिए चाय कॉफी लेने जाती है तभी कोई अरुल की आंखें बंद करता और कहता है भैया पहचाना मुझे। वो अनजान लड़का कहता है पहचाना नहीं क्या मुझे। अरुल कहता कौन। अनजान कहता चलो हिंट देता हूँ, मेरा रिश्ता आपकी मम्मी के घर की तरफ से है और जब आप यहाँ रहते थे गर्मी की छुट्टियों में मैं आपके घर ही आता था और हम बहुत मजे करते थे। और उसके बाद अनजान अपनी शक्ल दिखाता है, अरुल अभी भी नहीं पहचान पाता। अनजान कहता है आप पहचाना। अरुल डरता है, वो सोचता है इसे बुरा ना लगे इसलिए वो हाँ कर देता है। अनजान कहता है भैया मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा आप मुझे पहचान ही नहीं पाओगे। अरुल ज्यादा ध्यान नहीं देता। अनजान अरुल से ऐसे बात करने लगता है जैसे वो उसे बहुत अच्छे से जानता हो और अरुल बेचारा बस हाँ करता रह जाता है। और बाद में वो उसे वॉशरूम पूछता है और अनजान भी उसके साथ आ जाता है, उसे भी टॉयलेट आ रही थी। वो भी उससे बात करने लगता है और कहता है भैया आपको याद है पहले हम सब कंपटीशन करते थे और आप ही जीतते थे। अरुल भागता है। बाद में वो अपने मामा से मिलता है, उसके मामा उसे देख के खुश होते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं बेटा मुझे लगा था मैं तुझे देख नहीं पाऊंगा, अब कैसा है तू। अरुल कहता है मैं बढ़िया हूँ आप बताइए। और फिर उसके मामा कहते हैं तेरा चाचा खानदानी पैसों पे ऐसे अमीरी दिखा रहा है कि अब क्या ही बोलूं। अरुल इन सब में कोई बात नहीं करना चाहता था और अरुल उस अनजान के बारे में अपने मामा से पूछना चाहता था कि वो कौन है लेकिन नहीं पूछता।
अनजानता भी आ जाता है और कहता है, भैया आप कहाँ चले गए थे? अरुल के मामा भी अनजान से अच्छे से बात कर रहे थे, जैसे वो उसके बहुत क्लोज हो। अरुल हैरान होता है क्योंकि वो अनजान को पहचान ही नहीं पा रहा था। बाद में अरुल अपने पापा की बात अपने मामा से करवाने वाला था। अरुल के मामा डर रहे थे लेकिन वो हिम्मत करके बात करते हैं। अरुल के पापा और मामा दोनों रोने लगते हैं। अरुल के मामा कहते हैं, भैया आप क्यों नहीं आए? आप उनसे नाराज है, हमसे नहीं। मैंने तो सोचा था मैं आपकी अब आवाज भी नहीं सुन पाऊंगा। अरुल के पापा रोते हुए कहते हैं, आना चाहिए था, सॉरी, पर मैं जल्दी ही मिलने आऊंगा। अरुल के मामा कहते हैं, छोड़िए, मैं आपसे मिलने आऊंगा पक्का। दोनों एक दूसरे से बात करके काफी खुश होते हैं। उन्होंने कई साल बाद बात करी थी। अरुल के मामा भी अनजान से मस्त हंसी मजाक कर रहे थे। अरुल को और अजीब लगता है और अरुल कहता है, बस अब मुझे जाना होगा। अरुल के मामा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, बेटा तुम अभी तो आए हो, शादी की सारी रस्में सारी चीजें होने के बाद चले जाना, पर आज ही क्यों जा रहे हो? एक दिन भी नहीं रुकोगे क्या? अरुल कहता है, मुझे ऑफिस का काम है। वो अनजान लड़का कहता है, भैया अब मत जाओ, रात 10 बजे की बस है, मैं आपको छोड़ दूंगा, आप टेंशन मत लो। अरुल कहता है, तुम्हें कैसे पता? अनजान कहता है, भैया मुझे सब पता है आपके बारे में। बाद में अरुल अपनी बहन से मिलता है। अरुल की बहन अपने भाई को देख के खुश होती है। अरुल ने वही शर्ट पहनी थी जो उसकी बहन ने भिजवाई थी। अरुल का जीजा बताता है कि आपकी बहन सिर्फ आपके बारे में ही बात करती है, सुबह शाम मुझे आपके बारे में सुनना पड़ता है। अरुल और उसकी बहन एक दूसरे को काफी प्यार करते थे। जब उसकी बहन की तबीयत खराब होती थी बचपन में, अरुल रात को जाग के अपनी बहन का ख्याल रखता था, उसके लिए रोता था। अरुल गिफ्ट देता है। अरुल की बहन से इंतजार नहीं होता, वो गिफ्ट खोलती है। अरुल कहता है, बाद में खोल लेना। लेकिन अरुल की बहन नहीं सुनती और वो खोलती है, उसमें ज्वेलरी थी। अरुल की बहन इमोशनल होती है और कहती है, भैया मैं शादी में यही पहनना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपने हाथों से पहना दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और अरुल पहनाता है और अरुल की बहन और अरुल दोनों की आंखों में आंसू आते हैं। वो काफी टाइम बाद मिल रहे थे। अरुल कहता है, चलो मैं चलता हूँ। अरुल की बहन शौक होती है। अनजान कहता है, अरे मतलब ये खाना खाने जा रहे हैं? अरुल की बहन कहती है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। और अरुल की बहन भी उस अनजान को जानती थी। वो कहती है, भैया इसका रिश्ता भी मेरे पास आया था। अरुल बहाने से पूछने वाला था ये कौन है, लेकिन वो नहीं पूछ पाता। और अरुल अनजान के साथ खाना खा रहा था। अरुल अपने चाचा को देखता है, उसे काफी गुस्सा आ रहा था। अनजान उसे बातों में लगा रहा था। वो कहता है, भैया आप खाना खाइए ना, इतना अच्छा खाना है। उसे पता था अरुल को बुरा लग रहा है, अरुल का मन नहीं कर रहा था। बाद में अनजान अरुल का नंबर मांगता है, अरुल देता है। और अनजान अपना नंबर उसे देना चाहता था, अरुल को नहीं चाहिए था। वो कहता है, अरे मैं फोन नहीं लाया। अनजान उसके पर्स में एक कार्ड निकाल के उसके ऊपर नंबर लिखता है अपना। और अरुल निकलने ही वाला था, उसकी बीवी फोन करती है और पूछती है, कैसा रहा? अरुल कहता है, मजा आया। उसकी बीवी कहती है, काफी खुश लग रहे हो, और रुक जाओ एक दो दिन। अरुल मना करता है। अनजान की आवाज आती है। अरुल की बीवी कहती है, ये कौन है? अरुल कहता है, पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ गया है, वो मुझे जानता है पर मैं से नहीं जानता, बस इसे बुरा ना लगे इसलिए जानने का नाटक कर रहा हूँ। अनजान अरुल की बीवी से भी बात करता है। अरुल की बीवी को भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या बात करे। अनजान उसके परिवार वालों के बारे में पूछता है और अरुल कहता है, जल्दी चलते हैं। पर अनजान उसे छोड़ता है। वो रास्ते में चाय पीने के लिए रुकता है और कहता है, याद है बचपन में हम यहीं से चाय पीते थे? अरुल कहता है, लेट हो रहा है। अनजान कहता है, मैं आपके लिए बस रुकवा दूंगा, ये अपना इलाका है। और दोनों चाय पीते हैं और अरुल जब जाता है वो लेट हो जाता है, बस निकल गई थी। अरुल को काफी गुस्सा आता है। अनजान कहता है, भैया सॉरी, कोई नहीं, आप सुबह की बस पकड़ लेना, अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए। अरुल गुस्से में मना कर देता है। वो कहता है, मैं होटल में रुक लूंगा। अनजान कहता है, वो बहुत गंदा है, आप रुक नहीं पाओगे। और अरुल बहुत होटल ट्राई करता है, वो बदबू की वजह से रुक नहीं पाता और उसे उस अनजान के घर चलने के लिए मानना ही पड़ता है। और जब वो घर जाते हैं, अनजान की बीवी अरुल को देख के काफी खुश होती है और कहती है, भैया आप हमारे घर आए, मैंने सोचा नहीं था। वो जल्दी खाना बनाने लगती है। अरुल मना करता है, वो हैरान था। वो बहुत सारी फोटोज देखता है बचपन की और वो बस उस अनजान लड़के का नाम पता लगाना चाहता था ताकि उसे याद आ जाए। और बाद में अनजान मटके में अरुल को ड्रिंक पिलाता है, अनजान की बीवी ने चकना भी बना दिया था। वो लड़का बताता है, भैया ये घर मेरे लिए लकी है, ये मेरी बीवी के पिता का है, इनके भाई आपस में लड़ रहे थे, ये घर बेचना चाहते थे, मैंने पैसे जोड़ के बड़ी मुश्किल से ये घर खरीदा। पहले मैं बड़े छोटे घर में रहता था और यहीं आने के बाद मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई, इसलिए मैं इसे शादी में नहीं ला पाया, ये घर लकी है मेरे लिए। अरुल को अनजान से बात करके अच्छा लग रहा था। और अरुल उसे जलीकट्टी की अपनी बेल दिखाता है जिससे अरुल के मामा ट्रेन करते थे। और अनजान बताता है, मैंने बहुत गरीबी देखी है, कभी नए कपड़े नहीं पहने थे, सब पुराने ही लोगों के यूज किए पहने थे,
और अब जब खुद के कमा के कपड़े पहनता हूँ तो अच्छा लगता है, मैं काफी खुश हूँ। और अभी अरुल को अच्छा लगता है। बाद में वो दोनों बात करते हैं। अनजान बताता है, भैया आपको साइकिल याद है आपके बचपन की, जो जाने से पहले आपके पापा ने कहा था जरूरतमंद को दे देना। अरुल कहता, हाँ याद है, मेरी फेवरेट साइकिल थी, मैं बहुत खुश हुआ था जब वो मुझे मिली थी। वो लड़का बताता है, आपके पापा की वजह से वो साइकिल मुझे मिली। जब मेरे पापा ने मुझे बताया मुझे साइकिल मिलने वाली है, मैं काफी खुश था। मेरे से तो स्कूल में भी इंतजार नहीं हो पा रहा था। जब पापा साइकिल लाए मुझे चलानी भी नहीं आती थी, बड़ी मुश्किल से गिर के सीखी। और एक दिन पापा ने बोला, क्या तू अपने भाई को स्कूल ले जाएगा साइकिल से? मुझे अच्छे से चलानी भी नहीं आती थी, फिर भी मैं अपने भाई को ले गया। और उस दिन के बाद से मेरे पापा मेरे को मेरे नाम से नहीं, मेरे को बड़ा कह के बुलाते थे और कहते थे बड़ा जिम्मेदार है, वो संभाल लेगा। और वो अनजान लड़का रोते हुए कहता है, उस दिन से पापा मेरे पे भरोसा करने लगे और यहाँ मैं लापरवाह था, लेकिन साइकिल ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। इस साइकिल को बहुत ज्यादा मानता हूँ, आज मैं इस काबिल इस साइकिल की वजह से बना हूँ। और अनजान लड़का साइकिल दिखाता है और साइकिल अभी तक चलती थी, उस लड़के ने पार्ट भी चेंज नहीं करवाए थे। अरुल बहुत खुश होता और कहता है, चलो ना चलाते हैं, साइकिल से घूम के आते हैं। वो लड़का कहता है, चलो, बचपन में आप मुझे घुमाते थे बहुत पीछे बैठा के। अरुल खुश होता है, वो कहता है, काश और ड्रिंक मिलती लेकिन रात ज्यादा हो गई थी। अनजान कहता है, भैया आपका गाँव है, आप टेंशन मत लो, वो ड्रिंक्स इतनी रात को भी मंगवा देता है। अरुल खुश होता है, दोनों साइकिल पे घूमने जाते हैं, दोनों को काफी अच्छा लगता है। और ड्रिंक्स वगैरह पीने के बाद अरुल कहता है, जैसे तुम्हारे लिए वो साइकिल खास थी, उसी तरीके से मेरे लिए मेरा पुराना घर। मैं बचपन में अपने घर के बाहर ही पड़ा रहता था, पूरे दिन लोगों को देखता रहता था। मैंने अपने दादा को नहीं देखा, ये घर मेरे लिए मेरे पूर्वजों जैसा था, उनकी निशानी जैसा लगता था कि वो मेरे साथ है। लेकिन मेरा घर मेरे से छिन गया, मैं टूट गया। अनजान कुछ नहीं बोल पाता इस चीज़ पे, लेकिन अरुल इस पे बात करना चाहता था। अरुल अनजान के काफ़ी क्लोज आ गया था, दोनों काफ़ी खुश थे। अनजान बताता है, वो अपने होने वाले लड़के या लड़की का नाम अरुल रखेगा। अरुल हैरान हो जाता है, उसे और बुरा लगता है। दोनों गलती से एक दूसरे की चप्पल पहन लेते हैं। अरुल कहता है, कोई बात नहीं। दोनों घर आते हैं और अनजान कहता है, भैया बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, क्या आप मेरे लिए अपने चाचा को माफ कर सकते हो? गुस्सा नाराजगी से कुछ नहीं मिलने वाला। अरुल सोचता है और कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए कर देता हूँ, तुम अच्छे आदमी हो। अनजान खुश होता है, वो कहता है, मैं पूरी रात जागूंगा ताकि आपको सुबह उठा पाऊं। लेकिन वो खुश हो जाता है और नींद में कहता है, भैया कल जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेना है। और ये सब सुन के अरुल टूट जाता है, क्योंकि उसे उसका नाम भी नहीं पता था। वो काफी डर जाता है, वो पूरा घर छान मारता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो घबराता है, उसमें हिम्मत नहीं होती इतना प्यार मिलने के बाद उसको हर्ट करने की, इसलिए वो आधी रात में घर से भाग जाता है। वो देखता है उसने अनजान की चप्पल पहन ली, वो और टूट जाता है और जल्दी भागता है। मंदिर आता है और एक लेडी कहती है, अंदर प्रे कर दो, परेशान लग रहे हो। अरुल परेशान था, वो पैसे देता है और कहता है, प्रसाद चढ़ा देना। लेडी कहती है, किसके नाम का? अरुल ये भी नहीं बता पाता, वो उदास था। वो बड़ी मुश्किल से रोते हुए वहां से भाग जाता है। और काफी दिन बीत जाते हैं और अरुल अपना पुराना वाला घर खरीदने वाला था, लेकिन उसके चाचा 25 लाख रुपए और मांग रहे थे। अरुल कैसे भी अरेंज करता है और एक दिन उसकी बेटी गलती से उसके पर्स वाले कार्ड से अनजान का नंबर मिला देती है। अरुल अनजान की आवाज़ सुन के हैरान होता है और बताता है, मैं अरुल। और अनजान हंसते हुए कहता है, भैया। वो खुश होता है और कहता है, सॉरी भैया, मैं सो गया था, आपको छोड़ने नहीं जा पाया, आपको लेट हो रहा होगा, आपका सामान भी जल्दबाजी में यही छूट गया, मैंने संभाल के रखा है, मैं आपको दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। और फिर वो कहता है, भैया मैं क्या बताऊँ, मैंने आपके नंबर पर बहुत कॉल की लेकिन फोन कोई दूसरा आदमी उठा रहा था। अरुल उदास होता है क्योंकि उसने गलत नंबर दिया था, उसे और बुरा लगता है। और अनजान कहता है, भैया घर पे सब ठीक है, आपके मामा ने बताया आपको 25 लाख रुपए चाहिए, मेरी सेविंग मिला के 15 लाख पड़े हैं और 5 लाख के जेवर होंगे और मैं 5 लाख का चिटफंड से लोन ले लूंगा, टेंशन मत लो। अरुण शौक होता है, वो कहता है, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? अनजान हंसते हुए कहता है, भैया मैं पराया थोड़ी ना हूँ, आप मेरे अपने हैं। अरुण को और बुरा लगता है, उसे याद नहीं आ रहा था अनजान कौन है। और वो कहता है, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, आपको मेरे से पैसे लेने पड़ेंगे। अरुल चौक होता है, उसे बुरा लगता है, वो हिम्मत करके बता देता है कि उसने जानबूझ के गलत नंबर दिया था, उसे याद नहीं है कि वो कौन है और जानबूझ के रात को वो भाग गया था। उसको बुरा लगता है ये सुनने के बाद, वो रोने लगता है। वो कहता है, 2 मिनट। अरुल कहता है, तू बता, मैं जानना चाहता हूँ तू कौन है। वो लड़का बता देता है, वो उसके पापा और मामा दोनों के खानदान के दूर का रिश्तेदार है, वो उसके दादा की साइड से उनके बेटों में आता है और उसकी नानी की साइड से उसकी नानी की बहनों की साइड से।
और उसकी नानी ने ही उसकी माँ और पापा की शादी करवाई थी उस अनजान लड़के की। और वो लड़का बताता है, बचपन में हम सब आपके घर आते थे, आप हम सबको मूवी दिखाने ले जाते थे, मुझे आज तक मूवी के सारे सीन याद हैं। आप हम सबको घुमाने ले जाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, सबका ख्याल रखते थे। और जब हम मार्केट जाते थे, आप हम सबको सब्जियों के नाम देते थे याद रखने के लिए, मटर, टमाटर। अरुण हंसता है, उसे याद आता है वो सब्जियों के नाम और उसे उनके रियल नाम याद आते हैं। वो हंसता है, वो कहता है, अरे तुम सब तो मेरे प्यारे छोटे भाई बहन हो, तुम उस समय बहुत छोटे थे। वो लड़का कहता है, आपको कैबेज याद है? अरुण कहता है, हाँ मधु वो कैसा है? वो लड़का गुस्से में कहता है, आपको मधु याद है पर उसका बड़ा भाई याद नहीं है। अरुण को अभी भी याद नहीं आ रहा था। अनजान कहता है, क्या भैया आप आलू को भूल गए? अरुण हंसता और कहता है, अरे पोटैटो तू, अरे कैसा है रे तू? अनजान कहता है, भैया आपको याद आया ना? अरुण कहता है, हाँ याद आ गया। अनजान कहता है, तो मेरा रियल नाम बताना। अरुण हंसते हुए कहता है, ऐसे कैसे तेरे से मिलने आ रहा हूँ, तो रुक बदमाश। अनजान कहता है, भैया आपको मेरे से पैसे लेने पड़ेंगे। अरुण हंसते हुए कहता है, तू जो देगा वो मैं ले लूंगा, अब तो मेरा छोटा प्यारा भाई है। और अरुण को याद आता है वो अनजान लड़का बचपन में उसके गोद में ही सोता था। अरुण उस लड़के से मिलने जाता है और वो उसके दरवाजे पे जाता है और कहता है, पोटैटो बाहर आ रहा है कि नहीं? वो अनजान लड़का दरवाजा नहीं खोलता। अरुण हंसते हुए कहता है, दरवाजा खोल मियां जगान। अनजान खुश होता है, यही उसका नाम था। और मूवी यहीं पर आके खत्म हो जाती है। और ये मूवी हमें रिश्तों की वैल्यू करना सिखाती है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।